आग लगानी पड़ेगी। हाथ आओ, सरकार गलत फहमी बना रहे हैं कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी, एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलत फहमी मत पड़े किसानों के प्रति, ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील काट गाड़ी, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है, अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है, पूरे देश भर में जाएंगे 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करी ना, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है, ये फिर दिल्ली में जाएगा, ये फिर दिल्ली में जाएगा। और अब की बार में हल क्रांति होगी, हल क्रांति में जो जो खेत के औजार होंगे सारे जाएंगे दिल्ली। ध्यान से सुनने कान खोल के, हल क्रांति होगी, हल क्रांति पूरे देश की हल क्रांति होगी, और जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वे सब जाएगी, उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो लाठी दिखाई दिखाई है, इसमें ऊपर कुछ और भी लगे। हमारे जो पंच है, सरकार कान खोल कर सुनना, उस पंचों से बात कर ले, हमारा पंच भी वही रहेगा और हमारा मंच भी वही रहेगा। ये कहते हैं कि हरियाणा में पंचायत कर रहे हैं, हरियाणा में तो होगी, अब राजस्थान में करेंगे, उत्तर प्रदेश में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में, बंगाल में, सब जगह करेंगे। कोई बहन है हमारे में? 40 लोग हैं, 40 लोग जत्थेबंदी है, और जिस तरह से हरियाणा के खापू का जिस तरह से समर्थन मिला है पूरा, हरियाणा की खाप ने कल पंचायत करके कह दिया कि जब फैसले होते हैं तो फैसले में ना पंच बदले जाते और ना मंच बदले जाता। ये मोर्चा ऐसा बन गया कि ये पूरे देश की लड़ाई लड़ेगा, इन पे विश्वास रखना। 40 लोगों पे आप जैसे आप सपोर्ट कर रहे ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहना। और हरियाणा का हमें पूरा जिस तरह से सपोर्ट हरियाणा खड़ा हुआ है ना साथ में, उत्तर प्रदेश वाले खड़े हुए, राजस्थान वाले खड़े हुए, जा रहे हम राजस्थान में भी 23 तारीख से, 22 और 23 तारीख से राजस्थान के हमारे दौरे लग जाएंगे। हरियाणा में तो अभी 1-2 प्रोग्राम रहेगा, फिर राजस्थान में चले जाएंगे, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ है, सब जगह जा रहे। तो अपनी तैयारी रखो, और हल क्रांति होगी, हल्के जो जो औजार आते हैं ना कृषि के, उनको सबको तेल पानी लगाकर तैयार रखना। उनका नाम तो बताते नहीं, फिर नु कहेंगे जी आपने ये कह दिया, हम कुछ कह दें उसका कुछ और अर्थ निकल लेंगे। तो सारी चीजों पे ध्यान रखना अपना, इसके ऊपर कुछ और भी लगे वो भी लगा कर रखना, क्योंकि जब वोट क्लब पे जब रैली थी 88 में तो उनका इलाज उन पाइप पूछा हो गया था, और सब कुछ नहीं था, वो नाक तोड़ तोड़ कर बजी थी उनका, वहां से ही पाइप तोड़े उनके इलाज हुआ उनका। तो राजगंगों का घोड़ा पुलिस भी रहे भाई, इनपे घोड़ा रहे, आए कुंचे पे बैठे घोड़ा, उनका भी इलाज होगा। तो अपनी फसलों पर ध्यान रखो, अपने घर परिवार पर ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, और ट्रैक्टर में तेल घेर कर रखो दिल्ली की तरफ को खड़ा हो, खड़ा करके कभी भी कॉल हो सके बस फिर अपना घर बार छोड़ झाड़ कर और अपना दिल्ली की तरफ को कूच कर दियो, कभी भी आवाज आ सकती है। जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, घर वापसी नहीं आते, हमसे तो मुजफ्फरनगर की सीमा में जाना नहीं, कोई नहीं जा रहा। MSP पे कानून बनेगा तो देश के किसान को लाभ होगा, और हरियाणा और NCR की पूरी जिम्मेदारी है कि पूरे देश का अगर लाभ दौड़ा है तो आप लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, आसाम का किसान भी देख रहा है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।